नई खुशखबरी, ये एक नई टेक्नोलॉजी का पंप आया है। इसमें जो पहले फुहारे आते ना पीछे, वो अभी बंद कर दिए, क्योंकि उसमें रुकने की रुकावट बहुत आती है और उसमें जंग आ जाती है और किसान को उसमें खर्चा भी बहुत होता है, मेंटेनेंस बहुत होता है। ये दो जो गन है, ये इसका फुहारा भी ज़्यादा बनता है और ये भी दूरी भी ज़्यादा लेता है, पूरी फसल को ये भिगोता है। तो ये दो गन लगी हुई है और ये ऐसे मूव करती है। तो किसान भाइयों के लिए ये खास ध्यान रखने की जो बात है, ये जो पंप है ये विक्टर ओरिजिनल होना चाहिए। इसके ऊपर लिखा हुआ है विक्टर CAS 45। इसको नज़दीक से देखिए, इसका ओरिजिनल का ये फ़र्क है, बाकी मार्केट के अंदर ये डुप्लीकेट बहुत आता है। और ये जो घड़ी लगी हुई है, इसका जो प्रेशर है ये 30 से ऊपर नहीं रखना है, ये 30 के नीचे रखना है, 30 के ऊपर नहीं जाने देना है, नहीं तो ये ओवर फ्लो हो जाता है। ये वाल है अलग अलग, ये जो वो एक वाल है ये वापसी का है, ठीक है। इसको ये स्प्रे को अंदर घोलता है और ये जो एक वाल है ये दोनों गनों को चलाता है, और ये कि ये जो रोल समेटा हुआ है ये आगे जाके बड़ी फसल होती है उस पर करते हैं। ये भी ऑटोमेटिक लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक ही समेटता है। इसमें क्या है, पहले जो मैनुअल आता था उसमें किसान भाइयों को खींचना पड़ता, उसमें आदमी भी ज़्यादा चाहिए, इसमें दो आदमी आसानी से कर सकते हैं। और इसको जैसे ऐसे दबाया ये ऑटोमेटिक समेटेगा, और इसको ये रास्ते के अंदर ये लंबा भी है, इसको छोड़ देंगे तो यहाँ स्प्रिंग लगी हुई है और ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और ख़ास बात ये है, जो ये पाइप है ये ध्यान देने की बात है, ये मार्केट के अंदर डुप्लीकेट बहुत आता है। ये यासिंग लिखा हुआ होना चाहिए, लोट नंबर 8102। ये खास ध्यान रखने की बात है, ये ओरिजिनल कोरिया है, बाकी कोरिया बहुत पे लिखा हुआ होता है, ये किसान के ध्यान देने की बात है। और ये सालों साल ख़राब नहीं होता है। और ये जो आपको हम अभी चला के इसको दिखाएंगे, ये इधर गन लगा हुआ है, ये हाथ से करने के लिए है, ये गन भी ओरिजिनल होना चाहिए। ये गन इधर से ऐसे घुमा के फुहार अपने हिसाब से ये लंबा छोड़ा होता है, तो अभी आपको इसको चला के दिखाते हैं। पीछे वाले दोनों गनों को अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, दूर तक या नज़दीक तक करने के लिए।